नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धक्कड़ है, हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम गांव ढाणी फोगाट में, और आप देख सकते हैं कैसे मेले जैसा माहौल है। इस वक्त चुनाव की जो प्रक्रिया अभी ख़त्म होने वाली है, लेकिन अभी भी मतदान केंद्र के बाहर काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। आप देख सकते हैं शांति प्रिय मतदान प्रक्रिया चल रही है, आप देख सकते हैं। गांव ढाणी फोगाट का ये बूथ नंबर 92 है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही शांति प्रिय मतदान चल रहा है, और 6 बजते ही ये गेट बंद हो जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? कुलदीप मोरवाल सर। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को? शांतिपुर हमारे ढाणी फोगाट में चुनाव रहा, बहुत ही शांति प्रिय, और सब सहयोग किया, सभी अपना अनुसूचित जाति में हरिजन चौपाल में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। अनुसूचित जाति चौपाल को है? चौपाल। हाँ, धन्यवाद जी। हाँ, नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव बहुत बढ़िया हो गया, बहुत पूर्वक हुआ है, शांतिपूर्वक। स्वागत है जी। यहाँ की जनता ने शांतिपूर्वक मतदान किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। हाँ जी, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आने वाला है। अभी भी तो 6 बजे अभी तो मतदान चल रहा है। हाँ, मतदान चल रहा है जी, कुछ मिनट बाकी है। कुछ समय बाकी है, मतदान प्रक्रिया जारी है, और 6 बजते ही मतदान केंद्र के जो दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद गिनती शुरू होगी। और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मतदान केंद्रों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं गांव ढाणी फोगाट का ये मतदान केंद्र है, आप देख सकते हैं भारी संख्या में। मतदान केंद्रों के बाहर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ है, और अभी भी मतदान प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं। राजकीय प्राथमिक पाठशाला का ये बूथ है, आप देख सकते हैं मतदान प्रक्रिया अभी भी जारी है। धाकड़ हरियाणा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है। नमस्कार जी। और शांति प्रिय रहा मतदान? बिल्कुल, बहुत ही शांति प्रिय रहा। ढाणी फोगाट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शांति प्रिय मतदान हुआ, पूरे दिन मतदान चला और अच्छी तरह कोऑपरेट करा। अच्छी तरह, धन्यवाद जी। थोड़ी बार हमारे रख लिए काम से जब नमस्कार जी। नमस्कार जी। स्वागत है सर धाकड़ हरियाणा पे। हाँ जी। तो शांति प्रिय मतदान रहा जी? हाँ जी, शांति प्रिय। कितने वोट गिर चुके हैं जी इस बूथ में? हमारे वोट 591 गिर चुके हैं, टोटल 792 थे। अच्छा अच्छा, शांति प्रिय रहा? हाँ, धन्यवाद, मतदान शांति प्रिय रहा। नमस्कार जी। हाँ बाबू जी, बिल्कुल शांति प्रिय, बिल्कुल शांति प्रिय। भाई 6 बज चुके हैं, यदि कोई कैंडिडेट वोट डालना चाहता है तो लाइन में लग जाए, फिर उसके बाद पोल क्रॉस कर दी जाएगी। शांतिपूर्वक हुए।
धन्यवाद। कोई नहीं है, गेट बंद कर दो, पोल क्लोज करते, कोई नहीं है। बिल्कुल शांति प्रिय, बिल्कुल शांति प्रिय है। हाँ जी, बिल्कुल शांति प्रिय है। तो सभी आप एजेंट हैं? हाँ, सभी एजेंट। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही शांति प्रिय चुनाव रहा है, और अब गेट बंद कर दिया गया, 6 बज चुके हैं, और अब वोटों की जो गिनती का कार्य है वो शुरू होगा, और कुछ ही समय के बाद, कुछ समय के ही बाद चुनाव परिणाम आएगा। अब लोगों की सांसें अब थम चुकी हैं, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं और मतदान का कार्य अब समाप्त हो चुका है, और अब गिनती का कार्य शुरू होगा, और लोगों की धड़कनें अब तेज़ होने वाली हैं, क्योंकि अभी गिनती शुरू होने वाली है। अभी आप देख सकते हैं, ताऊ राम राम। राम राम भाई। और ताऊ ठीक से? ठीक है। वोट बार ठीक पड़ गई, शांति थे? खूब बढ़िया पड़ गई। तो के रुख लागा है? एक रुख का नहीं, मेरा भाई अपन नहीं, थोड़ी देर में मेरा लागा है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे जी? क्या मना कहूं भाई, क्या कहूं था, शांति थोड़ी देर में किस पर क्या होगा। अच्छा, थोड़ी देर में मेरा लाग जाए। वोट आया केरी का, देखो भाई भाई, डेढ़ घंटा में। अच्छा अच्छा, पी भी ना जाओ। चलो धन्यवाद जी। तो भाई कुछ समय के बाद पता चलेगा। आध घंटा में कि चल पड़े एक बूथ और है साइड में, उसमें तो आप देख सकते हैं मतदान जो केंद्र हैं उनके दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, और अब गिनती का कार्य शुरू होगा। ताई राम राम। और ताई ठीक से? हाँ ठीक है बेटा। वोट बार ठीक पड़ गई? वोट बहुत बढ़िया, कोई रोड़ा वाला नहीं हुआ? नहीं, कोई सर सर नहीं हुआ। शांतिपूर्वक बोलो बोलो। नमस्कार जी। नमस्ते जी। ठीक ठाक पड़ गई वोट? हाँ जी। कोई रोड़ा वाला नहीं हुआ? नहीं जी, कोई नहीं। शांतिपूर्वक मतदान हुआ है जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, शांतिपूर्वक मतदान हुआ है जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अब काउंटिंग शुरू हो रही है। अच्छा अच्छा, गिनती शुरू होगी। हाँ जी हाँ जी, ठीक बढ़िया, शांतिपूर्वक हुआ है, शांतिपूर्वक। हाँ भाई, क्या नाम है भाई? किम में कौन ही? तीन बूथ हैं भाई डाणी फोगाट में, अब तीसरे बूथ पर चलते हैं और तीसरे बूथ की तस्वीर दिखाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो? ठीक। शांति प्रिय मतदान रहा है? बिल्कुल शांति प्रिय। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। देख सकते हो भाई, मेले जैसा माहौल है, काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हैं। राम राम भाई। राम राम। और ठीक ठाक? ठीक ठाक। वोट बार ठीक पड़ गई? बढ़िया जी। शांति प्रिय? शांति प्रिय। कोई झगड़ा नहीं? नहीं जी। तो अब सांसें रुक गई हैं लोगों की? हाँ जी। गिनती शुरू हो गई है? हाँ जी। तो आप देख सकते हो भाई, मेले जैसा माहौल है, काफी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। भाई 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 नमस्कार जी। राम राम। और ठीक हो जी? कैसा शांति प्रिय रहा चुनाव?
बात कर दो सुनाओ था बहुत ही अच्छा रहा और शांति पर रहा है। और मतलब गांव ने एक ऐसी मिसाल दे दी कि कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, और आपस में भ्रातृभाव रखते हुए गांव ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया और अच्छा अच्छी तरह से वोट डाला। अच्छी तरह नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही शांतिपूर्वक मतदान होता रहे और आपस में भाईचारा बना रहे। हमको ये जो ना आगे भी यही उम्मीद है और जो है ना ये अच्छी मिसाल कायम की है गांव ने बहुत ही बढ़िया तरीके से। जो ना जिस प्रकार से ये एक जो रिजर्व सीट आई उससे भी अच्छा जो माहौल बना है और बहुत ही भगवान से भी कामना करते हैं कि ऐसे ही जो है ना जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं सभी अपनी सोचते हैं कि मैं जीतूँ जीतूँ, लेकिन जीत तो एक ही होती है। जिसने अच्छा जो कैंडिडेट जिसको अच्छा लगा उसके हिसाब से सबने वो वोट किया है। और मैं तो सभी की जो है ना विनती करता हूँ कि सभी अपने अपने जो है ना उन्नति की ओर जाएं। धन्यवाद जी। ताऊ राम राम। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? बस इलेक्शन बहुत शांतिपूर्वक हुआ है, यही कहना चाहूँ। शांतिपूर्वक बहुत ही मेल जोल से इलेक्शन हुआ है। पूरा गांव का गांव भाईचारा के हिसाब से सबसे अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हमारे गांव के अंदर भाईचारा बहुत तगड़ा है। हाँ जी। और बड़े प्यार से वोटिंग हुई है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है और प्यार से रिजल्ट सुनेंगे। अच्छा अच्छा। और तो काम जिसको नियुक्त कर रहा है सरपंच उसके साथ हम पूरा काम उसके साथ। धन्यवाद जी। तो भाई आप देख सकते हो कितनी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और अब इंतजार है अब भाई कब जो चुनाव है उसका परिणाम आए और लोग खुशी खुशी से अपने घरों को जाएं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और हाँ स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शांतिपूर्ण इलेक्शन हो चुका है हमारा, बहुत बहुत मेहरबानी गांव वालों की। धन्यवाद जी। हाँ भाई दीपक मेरी आवाज छापना है। अच्छा तो भाई आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है पूरे ग्राउंड में ग्रामीण भारी संख्या में बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर युवा हैं, लेकिन भाई राम राम सबने राम राम भाई। हाँ भाई आराम से बता दो अगला सुख शांति से युवा शक्ति हमारा देख सकते हो भाई आप कितनी भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं और इंतजार है उन घड़ियों का जब चुनाव परिणाम आएगा। आप देख सकते हैं दूर दूर तक राम राम ताऊ। भाई राम राम सबने और शांति प्रिय रहे चुनाव। बहुत बढ़िया माहौल गांव के लिए, इससे अच्छी बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती कि भाई शांति प्रिय चुनाव रहा है और लोगों में प्यार प्रेम आज भी है। चाहे चुनाव हो लिया कोई भी किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं है किसी के प्रति, और गांव जो जिसका समर्थन ज़्यादा हो उसको मत भाई जो भी जितने मतों से जिताए उसके लिए शुभकामनाएं आने वाले समय वो गाँव के विकास के लिए योगदान। धन्यवाद जी। तो भाई देख सको भाई पूरा ग्राउंड बरे पूरा ग्राउंड बरे ग्रामीण पूरी भारी संख्या में यहाँ पर नमस्कार जी। स्वागत है जी धाकड़ है हरियाणा पे। क्या कहना चाहेंगे सर? आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व था ये। बहुत अच्छा रहा चुनाव। भाई साहब शांतिपूर्वक चुनाव हुआ हमारा। हाँ जी।
और हम तो ये चाहते हैं कि कोई जातिवाद कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए चुनाव में। जो जिसकी जीत हुई है वो अच्छी हुई है। जीत तो अभी हुई नहीं, होगी। हाँ, होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी सांसें रुकी हुई है उम्मीदवारों की। बिल्कुल, बस यही एहसास करना चाहते हैं राहुल। बस धन्यवाद यही कहना चाहूँगा। तो भाई देख सको पूरा मैदान ग्रामीणों से भरा हुआ है, आप देख सकते हो भाई, देखियो चौकुरदियों ने सबको इंतजार है और जल्द ही वो थोड़ी देर में इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। राम राम भाई, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, राम राम जी, नमस्कार जी। और ठीक से तो शांति प्रिय रहे चुनाव? अति शांति प्रिय है, हमारा कोई रोलो नहीं, कोई रब्दो नहीं, और हमारा इलेक्शन हुआ है, पाछे भी भाईचारा वाला जितना सरपंच सारा इकट्ठा बैठा करे। वाह जी, बहुत अच्छी बात है। चुनाव हो चुका है, अब थोड़ी देर में परिणाम आने वाला है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई जीत रहे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जी? मतलब एक तो जो है ये इलेक्शन हुआ है बिल्कुल शांत माहौल से हुआ है, इसलिए सभी ग्रामवासियों को इसमें धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसा माहौल बहुत अच्छा रहा है इलेक्शन के बारे में। और जी बाकी रिजल्ट आने वाला है वो अभी देखते हैं क्या रहता है। शांति प्रिय चुनाव है भाई, ढाणी फोगाट काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन उसके बाद भी शांति प्रिय चुनाव रहा है। और कुछ समय बाद वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होंगी जब चुनाव परिणाम आएगा, और सभी लोग यहां चुनाव परिणाम के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दरवाजे पर भी लोग टकटकी लगाए हुए खड़े हैं, भाई कब इंतजार आए, कब वो परिणाम आए। नमस्कार जी, और धन्यवाद। तो भाई जल्दी चुनाव परिणाम सबके सामने आएगा, और वो तब तक के लिए नमस्कार। किस पक्का का है? थोड़ा साइड होगी भाई, भाई बताइए। पांच नंबर 268। क्या चल रहा है जी? छह नंबर में है। नमस्कार जी, किसके ज्यादा? पांच नंबर पे किसका निशान? पांच नंबर पे सिलाई मशीन डिंपल 268। तो आगे है वो अभी है। हाँ, 11 नंबर पे 190। हाँ जी, सबसे पहले तो हम धाकड़ हरियाणा का स्वागत करना चाह रहे हैं। पांच नंबर पे 268। गिनती होगी जी सबूत की? पहले इनका तो आप 268। कितना वोट आता है? दूसरा नंबर पे, दूसरे पे 11 नंबर पे 190। 268 डिंपल है जी। सबसे पहले तो हम इनका आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और अभी इसने भाई ने आके अंदर से बताया है कि पांच नंबर मशीन का निशान है वो अभी सबसे आगे है। 268 वोट है। ये सब सारे बता देता हूं। हाँ जी बताना। एक नंबर पे है 29 वोट, दो नंबर पे है 59 वोट, तीन पे 10, चार पे 5, पांच पे 268, छह पे 0, सात पे 50, आठ पे 10, नौ पे 2, और 10 पे 7, 11 पे 190, और नट्टो पे 5 वोट पड़े हैं जी हमारे गांव में। ऐसे भी समझदार हो जो कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया। पांच लोगों ने सभी को नकार दिया है, पांच वोट नोटा पर भी पड़े हैं, और दो बूथ की अभी काउंटिंग अभी और बाकी है, उसका भी परिणाम लेते हैं। इस बूथ में डिंपल देवी 78 वोटों से आगे बताई गई है, आगे दो और जो बूथ हैं उनका परिणाम भी जानेंगे, उनका परिणाम क्या रहेगा। लेकिन ले भाई कर लो रहे बोलो था। कौन बोल रहा था भाई? यो भाई नु का है कि सिलेंडर जीता, कौन सिलेंडर बुझ नहीं दो रहा मेरा भाई, लेकिन मजा कर रहा है यार। मटका हमनु को मटका जीता गा रहा के जिला पर से दाड़े वो चल रहे। अच्छा अच्छा, राखी जीता गा रहा है तो इसका तो हो गया।
स्पेशल बात हो तो मुझे बता। हाँ नमस्कार सर, धाकड़ हरियाणा में स्वागत है जी आपके। सभी दर्शकों को राम राम। आप हमारे गांव आए चुनाव प्रचार को दिखाने के लिए, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। कैसा चुनाव रहा इस राज सरपंच का? शांतिपूर्वक चुनाव रहा। डाणी फोगाट भाईचारे का गांव है, सुबह से शाम तक लोगों ने पंक्ति में बड़े जोश के साथ मतदान किया है। गाँव का जो फैसला होगा वो सही होगा और बहुत प्यार प्रेम से और भाईचारे से यहाँ पूरे दिन माहौल रहा है। धन्यवाद सर। लोग टकी टकी लगाए अभी दरवाजे पर देख रहे हैं कब चुनाव परिणाम आए। आप देख सकते हैं Yeah.